तीन दशकों से हमीरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की हो रही हार पर इस बार कांग्रेस जीत हासिल करने की फिराक में है। हमीरपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि अगर उम्मीदवार का सही चयन किया जाए तो सीट पर जीत हासिल हो सकती है। इसके साथ ही जितनी जल्दी हो सके टिकट बांट देने चाहिए ताकि बाद में देरी न हो। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि विधानसभा चुनाव के समय पार्टी से निष्कासित किए गए कार्यकर्ताओं ने कोई रेप मर्डर या डाका नहीं डाला है, इसलिए उन्हें पार्टी में आने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति के नापसंद पर किसी को पार्टी से बाहर नहीं रखा जा सकता है। सबको देना चाहिए वापस। अगर उन्होंने रेप किया हो, मर्डर किया हो, डाका मारा हो या कोई संगीन जुर्म किया हो तो अलग बात है। अदरवाइज क्योंकि कोई आदमी किसी को पसंद नहीं है, कोई आदमी किसी से खा खाता है, उसी आधार पर जो लोगों की हालत निकाला जाए तो ये कोई अन्याय न्याय है क्या? चाहे चाहे जाना चाहिए तो निकाले क्यों सर? मैं तो नहीं निकाले, तो आप तो बोलते रहे कि गलत निकाल, लेकिन कुछ होता ही नहीं है पार्टी में आपकी बात। सुनते हैं जब उनको फायदा होता है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन चुनाव गलत चयन के कारण पार्टी हारती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी 2019 में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। हम तो किसी को जीतने में सक्षम है कि हम कैंडिडेट का सही चयन करें। लोकसभा इलेक्शंस में आगे आने वाले 4 सीटों पर कैसा आप देखते हैं कांग्रेस की परफॉर्मेंस? कांग्रेस गुटबाजी नहीं है, रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से। गुटबाजी क्या की? गलत टिकट। ऐसे सोच समझ कर है ना, पूरा छानबीन करके ये डिक्लेयर होने चाहिए और जितना जल्दी डिक्लेयर करें जितना अच्छा है, उनको अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन में जाने का मौका मिलेगा, लोगों से संपर्क करने का मौका मिलेगा और अपना केस पीठ करने का मौका मिलेगा। इसका सर कुछ